राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द आने वाली है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मारवाड़ में बीजेपी की नब्ज टटोली और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के टिप्स दिए। इसके अलावा प्रमुख नेताओं के साथ बैठकर पहली सूची के बाद बना टिकटों वाला विवाद खत्म करने और दूसरी सूची के आने पर कोई विरोध न हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि कार्यकर्ताओं की बैठक में सिर्फ संगठन और चुनाव पर ही चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जोधपुर नहीं आना भी चर्चा में बना रहा, क्योंकि राजे सोमवार को नड्डा के साथ उदयपुर की बैठक में मौजूद थी, लेकिन जोधपुर नहीं आई। बैठक में सांचौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सांसद देवजी पटेल भी शामिल हुए, जिनका विरोध किया जा रहा है। पहले चरण की बैठक के बाद सांसद ने जल्द सब सामान्य होने के संकेत दिए। इतना ही नहीं, भीनमाल विधायक पूरा राम ने कहा कि लोग टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, सांचौर में समझौते के प्रयास में लगे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद का असर हो रहा है। इस बीच अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची आज शाम या कल 18 अक्टूबर को आ सकती है। आज 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, अरुण सिंह और सीपी जोशी भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र शेखावत और राजेंद्र राठौड़ ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी लगभग 100 उम्मीदवारों की सूची पर इस बैठक में मंथन कर रही है और 3 से 5 सांसदों का नाम भी इस सूची में आ सकता है, जिनको अब विधायक का चुनाव लड़वाया जाएगा। इसमें बीकानेर जिले की 3 सीटें होने के संकेत मिले हैं। दूसरी सूची में कोलायत, लूणकर्णसर और नोखा के नाम हो सकते हैं। इसके लिए टिकट की दौड़ वाले जिलों के कई बीजेपी नेता जयपुर में हाजिरी लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किन दावेदारों को जगह मिल सकती है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे को टिकट मिल सकता है, डाक से कालूराम मेघवाल, सांगनौर से अशोक लोहाटी, छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, भगूर से कैलाश वर्मा, आमेर से सतीश पुनिया, पिपलदा से मोतीलाल मीणा, सांगौत से हीरालाल नागर, उत्तर कोटा से प्रहलाद गुंजल, दक्षिण कोटा से संदीप शर्मा, लाड़पुरा से श्रीमती कल्पना देवी, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, अंता से प्रखर कौशल, किशनगंज से ललित मीणा, बारा अटरू से रामपाल मेघवाल, खानपुर से नरेंद्र नागर, मनोहरपुर थाना से गोविंद राम, रानीपुर बूंदी से अशोक डोगरा, केसरराव पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, हिंडौली से प्रभुलाल सैनी, मांडलगढ़ से संजय धाकर, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, शाहपुरा से रोशन मेघवंशी, भिलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, असीन से रामलाल गुर्जर, नाथद्वारा से संतोष नाथ महाराज, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौर, भीम से हरि सिंह रावत, प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा, बड़ी सादड़ी से ललित कुमार ओसवाल, गढ़ी से लक्ष्मण डिंडौर, घाटौल से हरेंद्र निनामा, दरियाबाद से कन्हैया लाल मीणा, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा से प्रमोद सामर, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मगन कोहली, पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया, सिरोही से पायल परसराम पुरिया। अब बहुत जल्द इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर आज राजस्थान के टिकट वितरण को लेकर दूसरी सूची जारी करने को लेकर बैठक शुरू हुई, इस बैठक के बाद बहुत सी तस्वीर साफ हो जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से पहली सूची जारी होने के बाद बगावत होने लगी थी, वो अब दूसरी सूची जारी होने के बाद नहीं हो, इसके लिए पार्टी कुछ चीजों का ध्यान रखेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जिन पर बगावत निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी।